श्रीलंका से भिड़ने के लिए भारत को किस तरह से तैयार होना होगा, क्योंकि सुपर फोर में भारत पाकिस्तान से हारा है। इसके बावजूद पॉइंट टेबल में किस तरह की हलचल होनी चाहिए जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर जाए। किस तरह अभी तक पॉइंट टेबल लग रहा है, इसके बाद आने वाले मुकाबलों में भारत को किस तरह का परफॉर्मेंस देना होगा। ट्यूजडे को भिड़ना है श्रीलंका से, थर्सडे को मुलाकात होनी है अफगानिस्तान से। किस तरह से जाने चाहिए दोनों मुकाबले, उनके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरह से जाने चाहिए मुकाबले कि भारत फाइनल में पहुंच जाए। अब फाइनल में पहुंचने का रास्ता कैसे होगा, उसके बारे में करेंगे डीप में चर्चा और विश्लेषण इस वीडियो के अंदर। अगर हम देखें ग्रुप ए और ग्रुप बी जो एशिया कप की शुरुआत में था, जिन दोनों टीमों ने दोनों ग्रुप्स पर राज किया था, यानी कि ग्रुप ए पर राज करने वाली भारत जिसने दोनों में से दोनों मुकाबले जीते और ग्रुप बी पर राज करने वाली अफगानिस्तान जिसने दोनों में से दोनों मुकाबले जीते, उन दोनों की ही एशिया कप के सुपर फोर में एक खराब सफर के साथ शुरुआत हुई, जहां पहले श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हरा दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को उस नेल बाइटिंग एनकाउंटर के अंदर परास्त कर दिया। अब यहाँ से दोनों टीमों के आने वाले मुकाबले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के सामने हालांकि हार के साथ झटका जरूर लगा है, लेकिन ये झटका शायद उतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि भारत इस मुकाबले को काफी क्लोज जाके हारा, जिसके चलते नेट रन रेट में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस समय भारत का नेट रन रेट पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग -0.1 का है और भारत अभी तीसरे पोजीशन पर मौजूद है, जबकि चौथे पोजीशन पर यहां से अफगानिस्तान की टीम है जिनका यहां से नेट रन रेट -0.5 का है। ट्यूजडे और थर्सडे के आने वाले मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट टीम की कोशिश रहेगी कि आप दोनों के दोनों मुकाबले तो जरूर जीते ही जीते, लेकिन दोनों मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है तो उसके बाद आपको कुछ ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतना होगा। भारत चाहेगा कम से कम 30-40 से ज्यादा रनों के अंतर के साथ जीते, और अगर कहीं भारतीय क्रिकेट टीम पहले गेंदबाजी कर रही है तो आप बल्लेबाजी में चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा विकेट्स और ज्यादा से ज्यादा गेंदों के मार्जिन के साथ जीते, ताकि नेट रन रेट में इस समय भारत की नेट रन रेट जो -0.1 की है वो पॉजिटिव में जाए, और अगर कहीं सुपर फोर के अंत तक यानी कि फ्राइडे के मुकाबले तक जो आखिरी मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका का, वहां अगर श्रीलंका को एक और जीत चाहिए हुई, वहां पे श्रीलंका से नेट रन रेट में भारत आगे रहे दोनों मुकाबले जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ। इस तरह से ये मुकाबले जाएंगे, क्योंकि आप आते हुए देख लीजिए हमेशा एशिया कप की यही कहानी रही है। भला 2012 का एशिया कप देख लें या 2018 का एशिया कप देख लें, दोनों के अंदर हमेशा से ऐसी ही स्टोरी रही है। जब भी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान या बांग्लादेश की टीमें मिलती हैं, फाइनल में पहुंचने के लिए या तो टीमों को बोनस पॉइंट से गुजरना पड़ता है या फिर टीमों को बेहतरीन नेट रन रेट के साथ आगे की ओर जाना होता है अगर फाइनल में जाना चाहते हैं। हालांकि इस एशिया कप में बोनस पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी होनी चाहिए बेहतर नेट रन रेट, जो चाहेंगे अब यहाँ से दोनों टीमें खासकर अफगानिस्तान और भारत की कि अपने बचे हुए मुकाबले जीते तो जीते और साथ ही वे काफी अच्छे मार्जिन के साथ जीते, ताकि आपके लिए फाइनल्स में जाने का सफर आसान हो जाए। हालांकि आपको बता दिया जाए, भारत के अभी 2 और मुकाबले हैं। 6 सितंबर को भारत श्रीलंका से भिड़ रहा है, 8 सितंबर को भारत की भिड़ंत हो रही है अफगानिस्तान से, उसके बाद 11 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा इस साल का एशिया कप का। ये सभी मुकाबले दुबई के मैदान पर होने वाले हैं। भारत को अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हार मिली है, आने वाले मुकाबलों में यही मूल मंत्र होगा जहां अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ भारत जाएगी। क्या लगता है आपको श्रीलंका के सामने भारत को किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरना चाहिए? क्या ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक टीम में वापस आने चाहिए? युजवेंद्र चहल की खराब बॉलिंग चल रही है, क्या उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर उनकी जगह रवि अश्विन को टीम में जगह देनी चाहिए? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।